आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उराम टीवी जीएच में। और आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिस पर आप लोगों का ध्यान कभी ना कभी तो गया होगा, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो और कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग पूरी क्लास में क्या करने वाले हैं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा कुड़ुख और उड़ाऊँ, ठीक है। हम इसके बारे में देखेंगे कि ये होता क्या है, क्या ये दोनों शब्द अलग है या सेम है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो कुड़ुख की बहुत सारी स्पेलिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है, हर जगह इंग्लिश में मिल जाएगी आपको, हिंदी में मिल जाएंगी, जैसे कि आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है उसमें मिलता है आपको, या इतनी सारी किताबें जो होती है आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो कहीं कहीं पर ये थोड़ी सी इसकी स्पेलिंग बदली हुई होती है, और सेम हिंदी के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। जो हिंदी में कुड़ुख लिखा होता है ना उसके साथ भी ऐसा ही होता है। और चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा उड़ाऊँ की स्पेलिंग। अब इसमें ये भी देख लेंगे कि इंग्लिश में देख लेंगे और हिंदी में देख लेंगे, ठीक है। इनमें से हम ये देख लेंगे कि कौन सा स्पेलिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक, और क्या और कौन कौन से स्पेलिंग यूज़ होता है, वो सब हम लोग आज इस क्लास में करने वाले हैं। और तो आज की क्लास में हम इन्हीं सबको करने वाले हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो स्पेलिंग यूज़ होता है उसे भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो ये जो भी मैं बताऊँगी वो मैंने अपने तरफ से मतलब कि सर्च करके मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो हो सकता है कि मैं कहीं गलत रहूँ, तो अगर मैं गलत रहूँगी तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, पर पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस टॉपिक ऊपर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे कुड़ुख स्पोकन कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी। हमारा कुड़ुख स्पोकन कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो वाला कोर्स है, जिसे आप जब चाहो जहाँ चाहो जितनी बार चाहो देख सकते हैं। हमारे कुड़ुख स्पोकन कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस हर चीज़ का वीडियो मिलेगा, जैसे कि वर्ड मीनिंग, स्मॉल सेंटेंस, बिग सेंटेंस, स्टोरी, ग्रामर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। अभी ऑफर चल रहा है कि यदि आप 5 जून से पहले इस कोर्स को परचेस करते हैं, बाय करते हैं, तो आपको कुड़ुख स्पोकन कोर्स के साथ, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास के साथ आपको 1 महीने का कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास फ्री में मिलेगा, जो कि हमारा लाइव कुड़ुख ट्यूशन क्लास 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। 5 जुलाई तक आपको फ्री में मिलेगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, अगर आप लोग कुड़ुख सीखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे कुड़ुख स्पोकन कोर्स को परचेज कर लीजिए। और याद रखिए, बिना अपनी भाषा सीखे ना आप खुद बढ़ सकते हैं और ना ही आप अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिन लोगों को कुड़ुख नहीं आती है उनकी इज्जत जो बड़े लोग होते हैं वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है। उन्हें ये भी कह दिया जाता है कि तुम कुड़ुख नहीं हो, तुम उराव नहीं हो, या उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो आपके साथ ज़रूर ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा या फिर हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी भाषा को सीखें। तो चलिए अब हम लोग आगे क्लास को बढ़ाते हैं। टॉपिक था कुड़ुख और उड़ाऊँ, क्या ये दोनों ही अलग अलग जनजाति को दिखाते हैं या ये दोनों ही एक ही जनजाति को दिखाते हैं। ये दोनों ही शब्द एक ही जनजाति को दिखाते हैं, चाहे आप अपने आप को कुड़खर बोलिए या चाहे आप अपने आप को उराव बोलिए, ये एक ही जनजाति को दिखाने वाले दो अलग अलग शब्द हैं। तो इसी तरीके से अगर हम भाषा की बात करें तो आप चाहे कुड़ुख भाषा बोलिए चाहे आप उराव भाषा बोलिए, ठीक है, ये दोनों ही एक ही मतलब की भाषा के बारे में बात करेंगे। अगर आप कभी भी गूगल में सर्च करेंगे उराव भाषा, तो ब्रैकेट में आपको कुड़ुख भाषा भी करके दिया हुआ रहेगा। अगर आप कुड़ुख भाषा सर्च करते हैं तो वहाँ ब्रैकेट में आपको उराव भाषा दिया हुआ रहेगा। तो दोनों ही हमारी भाषा को दर्शाता है, चाहे वो कुड़ुख भाषा हो चाहे वो उराव भाषा हो। यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि आप लोग को जानना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ सरकार की, ठीक है, तो जो सरकार है वो उराव को जनजाति मानती है और उराव के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को कुड़ुख बोलती है, ठीक है। तो जो उराव जाति है, जनजाति है, उनके द्वारा बोली गई भाषा को कुड़ुख बोलती है। सरकार की नज़र से उराव एक जनजाति है और उराव के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को कुड़ुख कहा जाता है। यहाँ पर अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप लोग अपना सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट देखिए,
उसमें आपको बताया गया है कि फलना इंसान मतलब कि उराव जनजाति से बिलोंग करता है। और तो और यहाँ पर ये भी आप लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है वहाँ पर वो उराव भाषा नहीं, वो वहाँ पर कुड़ुक भाषा कह करके बताते हैं। तो जो नोटिफिकेशन आता है उसमें उराव भाषा नहीं, वहाँ पर कुड़ुक भाषा लिख करके आता है। तो बहुत सारे जगह आपको सिर्फ कुड़ुक भाषा के तौर पर नहीं देखने के लिए मिलेगा शब्द, आपको बहुत जगह उराव भाषा के तौर पर भी लिखा हुआ शब्द मिल सकता है। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा उराव और कुड़ुक को लेकर के। चलिए अब हम लोग हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लोग कुड़ुक की बहुत सारी इंग्लिश वाली स्पेलिंग देख रहे होंगे, बहुत सारी नहीं है, सिर्फ चार ही स्पेलिंग दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, पहली स्पेलिंग है KURUX कुड़ुक, दूसरी है KURUKH कुड़ुक, और तीसरी है KUDUKH, और चौथी है KHUDUKH। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितनी भी स्पेलिंग दी हुई है उसका मतलब कि बहुत जगह इसका इस्तेमाल हुआ है, जो कि आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो स्पेलिंग है इंग्लिश में वो इस्तेमाल होती है वो होती है KURUKH कुरुक। ठीक है, इसका इस्तेमाल मैं भी करती हूँ, आप लोगों ने ये भी देखा होगा। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये वाला स्पेलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ये सोच करके आए होंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें ये पता चलेगा, तो यहाँ पर किसी को सही और किसी को गलत कहने के लिए कोई रेफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम किसी को सही नहीं बोल सकते और किसी को गलत नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ यहाँ मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो स्पेलिंग है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक उसी तरीके से थर्ड नंबर देखिए जो हिंदी में स्पेलिंग होता है। ठीक है, बहुत सारी जगह आपको ये स्पेलिंग देखने के लिए मिलेगा और बहुत सारी जगह ये स्पेलिंग देखने के लिए मिलेगा। अब इन दोनों में से भी जो सबसे ज़्यादा स्पेलिंग इस्तेमाल होती है हिंदी में वो होती है ये वाली। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है और हिंदी में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि जिनके पास रेगुलर क्लास करने का समय है वो लोग कुड़ुक लाइव ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव ट्यूशन क्लास जूम ऐप पर होता है जहाँ पर मैं लाइव पढ़ाती हूँ। लाइव क्लास में आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं और वहाँ पर आप अपने ही जैसे लोगों के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये दिक्कत होता है कि मैम बात करने वाला कोई नहीं है, तो आप लोग वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो यदि आप लोग कुड़ुक सीखना चाहते हैं जल्दी, तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारा कुड़ुक लाइव ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, जो कि 5 जून से शुरू होने वाला है, 5 जून, और टाइमिंग है 7:30 बजे शाम की टाइमिंग है 7:30 बजे। ठीक है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी करते हैं कि क्लास ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके पास समय नहीं है। तो मैं फिर से एक बार बोल दूँ कि टाइमिंग है 7:30 बजे की। ठीक है, ताकि आप लोग ज्वाइन करने के बाद आपको ये ना पता चले कि आप लोग के पास तो समय नहीं है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी 5 जून से पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पहले आप लोगों के पास ये एक्सक्यूज़ था कि आप लोगों को कुड़ुक भाषा सिखाने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब वो एक्सक्यूज़ भी नहीं है, क्योंकि कुड़ुक भाषा सिखाने के लिए मैं हूँ और बात करने के लिए वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपके पास अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है भाषा ना सीखने का, और फीस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 300 पर मंथ है। ठीक है, तो सिर्फ 300 पर मंथ है, तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार तो आप लोग क्लास ज्वाइन करके देखिए, फिर आप लोगों को अपने ही पता चल जाएगा कि कुड़ुक भाषा सीखना कितना आसान है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं 4th नंबर और 5th नंबर। जो अब यहाँ पर देखिए उराव की स्पेलिंग, यहाँ पर बहुत सारी स्पेलिंग दी हुई है। ठीक है, जैसे कि ORAON उराव, ORAON, URAON, ठीक है, URAW, URANG, ऐसे ही डॉट और बहुत सारे स्पेलिंग मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने नाम के पीछे उराव शब्द लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग स्पेलिंग मिल सकती है, जैसे उरंग, ये सारी स्पेलिंग भी मिल सकती है। तो यहाँ पर भी आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा स्पेलिंग सही है या कौन सा स्पेलिंग गलत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो स्पेलिंग ये वाली होती है। ठीक है, ORAON, ये वाला स्पेलिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप अपने एक बार कास्ट सर्टिफिकेट को खोलिए, ठीक है, वहाँ पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग, यही वाली आपको स्पेलिंग देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक वैसे ही आपका, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ये जो ये वाली स्पेलिंग है जिसपे चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कम होता है, ये ज़्यादा जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो उराम है, ठीक है, ये जो इंग्लिश वाला जो उराम है, गवर्नमेंट यही वाला वर्ड इस्तेमाल करती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कुड़ुख और उराव भाषा सेम ही होता है, ठीक है। तो हो सकता है किसी जगह मैं गलत रहूं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी कोई चीज़ छोड़ दी हूं या मैं कहीं पर गलत हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग किसी और के कमेंट में कमेंट मत कीजिएगा, आप लोग अपना से कमेंट कीजिएगा, अलग से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। किसी और के कमेंट में घुसने की क्या ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।